गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पिछले कक्षा के अंतर्गत बात कर रहे थे महादेव वर्मा के द्वारा लिखित भक्ति नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र के बारे में, जिसमें हमने देखा भक्ति जिसका मूल नाम लक्ष्मी था, किस तरह से उसका जीवन था, कैसे उसने जीवन के संघर्ष स्वीकार किए और स्वाभिमानी और कर्मठता से जीवन जिया, वो नाम के विपरीत उसका जीवन हुआ। हमने उसके जीवन के प्रथम परिच्छेद में देखा कि उसके परिवार में और ससुराल में उसके साथ कैसी स्थितियां रही, उसका बाल विवाह हुआ, पति का भी अगाध प्रेम उसे मिला, परंतु ससुराल में जेठानियों की उपेक्षा का वो शिकार बनी। जब उसकी बड़ी लड़की परिवार में बंटवारा होने के बाद विवाह के योग्य हुई तो उसने धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह किया। वहीं से हम प्रारंभ करेंगे कि धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती यानी छोटी उम्र की दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि उसका निधन हो गया। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कह करके स्मरण करती। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जब वो जीवित थे तो उसका पति भी कहीं ना कहीं जीवित होगा और उसकी उम्र भी उसके हिसाब से बढ़ रही होगी। भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेड़ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था, क्योंकि इस संसार में जड़, जोरू और जमीन तीन प्रकार के झगड़े विशेष हैं। तो ये जो पैतृक संपत्तियां थी, ये जो बंटवारे में संपत्ति प्राप्त थी, उसके मेहनत से, लगन से, परिश्रम से दिन रात फलीभूत हो रही थी, तो जेठ जिठोतों को उसको प्राप्त करने की नीयत उनके मन में जागृत हो चुकी थी। वो किसी भी प्रकार से प्रयास करके भक्तिन की संपत्ति को हड़प लेना चाहते थे। इन सब की प्राप्ति तभी संभव थी जब भैयाऊ दूसरा घर कर लेती, अर्थात भक्तिन दूसरा विवाह कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन, खोटी क्यों कहा, खोटी का मतलब यहाँ पर गलत से नहीं लेना है, खोटी का मतलब यहाँ पर समझदार, इनके चकमे में आई नहीं। उसने क्रोध से पाँव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा कि हम कुकुरी बिलारी ना होए, कुकुरी यानी कुतिया, बिलारी यानी बिल्ली ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाप नहीं तो तुम्हार बच्चे के छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब समझे रहो। ये कह रही है कि मैं कोई कुत्ती या बिल्ली नहीं हूँ, हमारा मन पोसाएगा या हमारे मन को अच्छा लगेगा तो हम दूसरे के जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर बैठ करके मुंह दलेंगे और राज करते रहेंगे, समझे रहे, अर्थात समझते हो इस बात को। मतलब वो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान और फुकवा लिए और कंठी बांध करके और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। अर्थात उसने स्वागिन की जो वेशभूषा थी उसको ख़त्म कर दिया, अपने बालों का मुंडन करवा दिया और गुरु से कान फूंका करके रिक्शा ले ली और गले में कंठी माला वगैरह बांधने लगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले करके उन्हें भी क्या किया, ससुराल पहुँचाया और पति के चुने हुए दामाद को घर जमाई बनाकर रखा, अर्थात बड़ी बेटी का जो पति था उसको घर जमाई बना करके रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद, तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। अब देखो, भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, जितनी जिद्दी भक्तिन थी वैसा ही दुर्भाग्य भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए किशोरी होते होते ही उसकी लड़की जो बड़ी लड़की थी वो भी क्या हो गई, विधवा हो गई। अब भैयाओं से पार न पा सकने वालों ने क्या किया, मतलब अपने भैयों को अपनी नहीं बना सके तो उन्होंने उनकी पुत्री को अपना बनाने की कोशिश की कि भैयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई, अर्थात उन्हें लगा कि अब तो कैसे भी करके इसको अपने चंगुल में फंसा लेंगे। विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। तीतर लड़ाने वाले से अभिप्राय ये जो आवारा होता है या जिसके पास कोई रोजगार नहीं होता या जिसका कोई व्यवस्थित जीवन नहीं होता या जीवन में जिसका कोई मापदंड नहीं है, कमाने का कोई साधन नहीं है,
फालतू जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, वर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अब बहनोई यानी उसकी बड़ी लड़की का पति जब वहाँ पर आ गया तो उनके लिए सुविधाजनक क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनके मन में जो संपत्ति को हड़पने का भाव था वो मिट्टी में मिल रहा था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले उस दूल्हे के समर्थक, कौन से दूल्हे के, वो तीतर लड़ाने वाले की, उसे किसी न किसी प्रकार से पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक क्या करने लगे, गांव वालों को बुलाने लगे। क्यों? क्योंकि एक अकेली लड़की या एक अकेले लड़के का किसी कमरे में एकांत स्थिति में पाया जाना क्या होता है, समाज की दृष्टि से निंदा का कार्य। अतः समाज क्या फैसला करेगा, उसे उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की बात यहाँ पर कहेगा। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत करके कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। क्यों? क्योंकि लड़की ने मारा है तो क्यों मारा, अगर बुलाया है तो इच्छा से बुलाया है तो फिर मारने का क्या काम। तो सारे पंच समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहने लगा कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अर्थात कहने का मतलब है कि लड़की तो कह रही है कि अगर मैं बुलाती तो मैं इसे मारती क्यों, अर्थात उसने जो थप्पड़ मारा उसके उंगलियों के निशान थे उसमें वो उसको पहचानने की बात कह रही थी। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण किसको स्वीकार किया, कलयुग को स्वीकार किया। आखिरी में अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे हो, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता था। उस लड़की पर जबरदस्ती उजूला थोप दिया गया। अपमानित बालिका ने होंठ काटकर खून निकाल लिया और माँ ने अग्नि से भरे नेत्रों से, अर्थात आग्नेय नेत्रों से गले पड़े हुए दामाद को देखा। संबंध कुछ सुकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेतीबाड़ी ये पारिवारिक सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि अब भक्तिन के लिए लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया, भारी हो गया। सुख से रहने की बात तो कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची, अर्थात गांव का जीवन छोड़ दिया और वो कमाने के लिए शहर आ गई। वो अपनी पहचान नए सिरे से बनाने की कोशिश करने लगी। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढांके और मानव सब प्रकार की आहार सुनने के लिए कान कप्पे से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, अर्थात माँ देवी ने उसे अपनी सेविका के रूप में रखा, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी इति अभी दूर है, मतलब जो प्रारंभ हुआ उसका अंत अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया। अब महादेवी को शंका हुई कि अगर ये ग्रस्त है तो सन्यासी की वेशभूषा कैसे धारण कर रखी है, क्या तुम खाना बनाना जानती हो। उत्तर में उसने ऊपर के होंठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जाने थे, दाल रांध लई थे, साग भाजी चौंक सके थे और बाकी कह रहा कि वहाँ की उस क्षेत्र विशेष की भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, मतलब भोजन बनाने में वो अपनी कुशलता महादेवी के सामने प्रकट करती है। दूसरे दिन तड़के प्रातःकाल ही सिर पर कई लोटे ऊंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती के जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल को दो लोटे जल से अभिनंदन किया। दो मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित करके चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ बड़ी टेढ़ी खीर है, मतलब शुद्धता का बहुत ध्यान रखने वाली थी। वो अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती थी। जैसे उसने रसोई घर में प्रवेश किया तो उसने कोयले से क्या की, रेखा खींच दी और किसी को अंदर आने की अनुमति उसके बिना अनुमति के नहीं हो सकती।
अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। ये नितांत वीतराग क्यों थी? क्योंकि इसकी बीमारियों के चलते डॉक्टरों ने इसे एक निश्चित मापदंड में खाने को बोल रखा था, परंतु इसे भोजन बनाने में महादेव जी को बहुत कुशलता थी और परिवार में ये प्रसिद्ध भी थी। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता, पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का, छूत पाक पर यानी छुआछूत का भाव रखने वाले, बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, मतलब रोग का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के सामने दुर्लंघे ओटिरता, भक्तिन के द्वारा खींची गई रेखा को महादेव के लिए लांघना संभव नहीं रहा। निरुपाय होकर के अपने कमरे में बिछोने पर पड़ करके नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित करके मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अन अधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। पीढ़ा यानी पुराने जमाने में जो छोटे मुड्ढे होते थे उसके ऊपर अन अधिकारी कहा है भक्तिन को, जिसको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे परंतु वो अधिकारी बन करके बैठ गई थी, तो उस अन अधिकारी को ये भूलने की चेष्टा करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार चार रोटियां रखकर उसे टेढ़ी करके गाड़ीदार परोस दी, मतलब कोई भोजन का कोई स्तर नहीं था, थाली में ही सब्जी डाल दी, थाली में ही चार जली हुई रोटियाँ डाल दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैं रुआसे भाव से मैंने कहा कि ये क्या बनाया है, तो वो हतबुद्धि होकर के रह गई, हतबुद्धि अर्थात आश्चर्यचकित हो गई कि रोटियां अब वो क्या कहती है। देखो उसके बाद हर चीज़ का जवाब था, तर्क वितर्क करने में निपुण थी वो, क्या कहती है कि रोटियां अच्छे सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है पर अच्छी है, तरकारियाँ थी पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी और दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे भाई तुझे अच्छा नहीं लगता तो महादेवी को तो लगता होगा, लेकिन वो अन अधिकारी बन चुकी थी ना, तो वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देती थी, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए, मतलब मालकिन हो गई चाहे जो इसकी इच्छा हो जो बना ले, उससे भी काम न चले तो गाँव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, कलाबत्तू की विशेष पकवान विशेष व्यंजन, फिर वह कुछ अनाड़ीन या फूड नहीं है। उसका ससुर पितिया ससुर अजिया सास आदि ने उसके पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौके प्रमाण पत्र दे रखे, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में उसके भोजन की प्रशंसा होती थी, तो उस बात को यहाँ पर प्रकट कर रही है। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का यह प्रभाव हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करने लगी, क्योंकि ये लेखिका थी, अब इसके लिए जो भी परिस्थिति उपस्थित हो रही थी उसके बारे में ये विचार मंथन करती है कि आखिर गाँव के और शहर के जीवन में ये क्या अंतर है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया था कि उपचार का तो प्रश्न ही हो गया, क्यों, क्योंकि अब भक्ति ना बैठी तो अब तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था करना या गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता का निवारण करने वाली व्यवस्थाएँ करने का कोई प्रश्न नहीं रहा। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अब अपनी असुविधाएँ छिपाने लगी, मतलब भक्ति इनके व्यक्तित्व से ये प्रभावित हुई और इसको होने वाली असुविधाओं को भी ये प्रकट न करके छिपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात। इसके अतिरिक्त भक्ति इनका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना उसके लिए संभव नहीं है, मतलब खुद बदलना नहीं चाहती लेकिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बदल लेना चाहती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है, बाजरे के तिल बनाकर लगाए हुए पूए गरम कम अच्छे लगते हैं, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है, सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को ले जा सकती है। आज भी वो मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्ति के पोपले मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका, पोपला मुँह जिसके में से दांत
खत्म हो गए हो, नष्ट हो गए या निकल गए हो, गिर गए हो मेरे, रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों की भी वह तय करने के बहाने सिलबटों से भर देती है। मुझे अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं उसने कंठस्थ करा दिए, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सके। मतलब भक्ति ने अपने परिवर्तन नहीं किया, भोजन के रूप में उसने सारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यंजन महादेवी को खाना सिखा दिया, जबकि शहर का कोई व्यंजन उसके मुंह में प्रवेश नहीं कर सका। उसने भक्ति ने महादेवी को अपने अनुसार ढाल लिया, परंतु महादेवी के अनुसार जी कहना नहीं सीख पाई। उसने कपड़ों को ढंग से रखना नहीं सीखा, उसने धुली हुई साड़ी पहनना नहीं सीखा। बाकी बाद में